पटना के एल्फिंस्टन और रीजेंट सिनेमा का रूप रंग अब बदल चुका है, लेकिन जवानी के दिनों में इन दोनों थिएटरों में नीतीश कुमार ने कई फिल्में देखी। देवानंद और दिलीप कुमार के तो वो जबरदस्त फैन थे। मैं आ गया। क्यों? उस रात की बात तुझे याद नहीं क्या? हाँ, और वो चिट्ठी भी जो तुमने लिखी है। मुझे माफ कर दे पारो, वो खत मैंने जल्दी नहीं लिख दिया था। न जाने मुझे क्या हो गया था, सोचने की ताकत भी नहीं रही। चुप रहो। दिलचस्प ये कि देवदास की पारो की तरह बचपन में बख्तियारपुर में एक पारो से नीतीश कुमार की भी दोस्ती थी। वो दोस्ती कुछ नए एहसास पैदा करती कि नीतीश पढ़ाई के लिए पटना पहुंच गए। बख्तियारपुर के इसी घर में नीतीश का जन्म हुआ था और यहीं राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले वैद्य पिता के साए में उनके भीतर राजनीतिक चेतना का पहला बीज अंकुरित हुआ। ये जब भी पढ़ाई करके आते थे, ये गंगा की तरफ या चौहान टोला राघोपुर में इनका समय बीतता था। मैट्रिक पास करने के बाद ये कॉलेज गए और कॉलेज में इन्हीं कॉलेज में उन्होंने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, इंजीनियर बने। और मुझे याद है कि मैं जब उनके साथ रहा करता था जेपी मोमेंट से, तो उनको था इच्छा ये। नीतीश ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली, लेकिन एक आंदोलन में अपनी असली डिग्री ही जला दी। हालांकि वो कॉलेज में सक्रिय रूप से राजनीति कर रहे थे, लेकिन उनकी पहचान बनने में काफी वक्त लगा। सुशील मोदी ने एक इंटरव्यू में बताया था, एक समय ऐसा था जब वो यूनिवर्सिटी के छात्रों की उस पुलिस सूची में थे जिन्हें नजरबंद किया जाना था, लेकिन जिस समय पुलिस आई तो नीतीश हमारे साथ थे, लेकिन पुलिस वाले उसे पहचान ही नहीं पाए और इस कारण वो गिरफ्तार होने से बच गया, जबकि हम गिरफ्तार हो गए। नीतीश जब 22 साल के भी नहीं थे तब घर वालों ने शादी का दबाव बना दिया। नीतीश के कुछ दोस्त उनकी होने वाली पत्नी मंजू को कॉलेज के बाहर देख कर आए थे और नीतीश ने हाँ कह दी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब नीतीश को पता चला कि पिता ने ससुराल पक्ष से 22,000 रुपए दहेज लिए। नीतीश ने घर पहुंचकर हंगामा कर दिया। नीतीश समाजवादी सोच से ओतप्रोत थे और उन्होंने शादी के लिए कई शर्तें रख दी, मसलन शादी में कोई तमाशा नहीं, कोई दहेज नहीं, दूल्हा दुल्हन जिस फीट में बैठकर घर आए उसके सारथी भोला प्रसाद थे। उन्होंने बाद में नीतीश को पहले ही चुनाव में करारी शिकस्त दी थी। नीतीश कुमार की पत्नी कभी भी मुख्यमंत्री आवास में नहीं रह पाई। सच कहा जाए तो नीतीश और उनकी पत्नी का रिश्ता कभी भी ठीक तरीके से पटरी पर नहीं आ पाया, क्योंकि नीतीश कुमार ने राजनीति के चक्कर में हमेशा उनकी उपेक्षा की। और जब नीतीश कुमार के साथ उनके रहने और आराम करने के दिन आए तब तक ईश्वर कुछ और तय कर चुका था। हाँ, एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार ने खुद कभी भी अपने बेटे को राजनीति में लाने के बारे में कभी नहीं सोचा। और हाल के दिनों में जब ये सरगर्मी हुई कि बेटे निशांत को नीतीश लॉन्च कर सकते हैं, तो खुद निशांत ने इसे अफवाह करार दे दिया। सर, अनुभव कैसा रहा? नहीं, अच्छा रहा। अच्छा रहा जी। इससे कुछ लगता है कुछ राजनीति की तरफ रास्ता जा रहा है? नहीं, मेरा रुचि नहीं है। भारतीय राजनीति में परिवारवाद से दूरी नीतीश के लिए हमेशा ट्रंप कार्ड साबित हुई, क्योंकि इस मुद्दे पर लालू यादव हमेशा सवालों के कटघरे में रहे, जिनका पूरा ही परिवार राजनीति में। अभी सबको जब मौका मिला 15 साल का, तो अपने 7 साल में हट रहा था तब अपनी बीवी को बनवा दिया। अब पैदा क्या को किया? 7 को बाल बच्चा पैदा किया। इतना बाल बच्चा पैदा करने वाला कै गो है बिहार में? कितना ज्यादा बेटी को बेटा को यही करा रहा है। वैसे ऐसा नहीं है कि नीतीश ने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। नीतीश के विरोधी उन्हें अवसरवादी सिर्फ इसलिए नहीं कहते क्योंकि उन्होंने अपनी सुविधा के लिए आराम से पाला बदला और राजनीतिक विचारधारा को ताक पर रख दिया, बल्कि इसलिए भी कहते हैं कि वो बहुत आसानी से अपने पक्ष में तर्क गढ़ लेते हैं और अपनी बार्गेनिंग पावर बनाए रखने के लिए ही ऐसे हिंट देते हैं कि कोई पक्ष उन्हें हल्के में ना ले। मसलन तेजस्वी के साथ विमान की ये तस्वीर। एक किस्सा साल 2000 का है जब वो 7 दिन के लिए पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुर्सी बचाने के लिए कई ऐसे अपराधियों का समर्थन लेने से भी नहीं हिचके थे जो जेल में थे, लेकिन वो कहानियां अब पुरानी हो चुकी हैं।
आज तक ब्यूरो।